हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स इन द मार्केट। व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन। हम जैसे ही मार्केट पूरे थे पहुँचे तो दुकानें जो खुलने वाली थी या खुलना शुरू हुई थी। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ पहले से ही थी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि अभी जो सीज़न था, मौसम था, वो त्योहारों का था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट्सेट्रा। कि यहाँ पे कतारों में बहुत सारी दुकानें थी जिनके ऊपर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें बिक रही थी। जैसे हम कहें कि मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी सामान हैं, बिजली का जो उपकरण है वो मिल रहे थे। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट द वन एंड, और एक तरफ जो है अंत में दुकानों जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था। माई कज़िन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। मेरे कज़िन का जो है अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के साथ में। वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नो मिस अवर टर्न। हम सबसे पहले कहाँ पहुँच गए थे इसलिए हमारा जो नंबर आने वाला था हम उसे मिस नहीं कर रहे थे। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इनसाइड। हमें एक रूम में वेट करना था जब तक हमें डॉक्टर अंदर नहीं बुलाते हैं। द डेंटिस्ट एग्जामिन हर, डेंटिस्ट ने उसे एग्जामिन किया एंड आस्क हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल। और डेंटिस्ट ने उसके दांतों को चेक किया और कहा कि तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है। माय कज़न वाज स्कैर्ड, मेरी कज़न डर जाती है, बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस इज यूज्ड टू पेनफुल एंड वाज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टू गो बैक। इस चीज़ से दर्द टेंशन में थी कि क्योंकि इससे जो है डेंटिस्ट का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है, और इससे जो है उसको ये टेंशन हो रही थी कि उसके दांत जो है वो खराब हो गए। Then from the dental clinic she took me a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. डेंटिस्ट की शॉप के बाद में हम लोग जो हैं क्लिनिक के बाद में एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं क्योंकि मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने थे। The showroom had 3 floors. उस शोरूम में जिसमें हम गए 3 फ्लोर थे। Each floor had different types of clothes. हर फ्लोर पे अलग अलग तरह के कपड़े थे। We want to the third floor where clothes of for girls were kept. हम तीसरे फ्लोर पे गए जहाँ लड़कियों के लिए कपड़े थे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस मैन। अब यहाँ पे हम हरप्रीत और वंदना की बात करेंगे जो कि बिजनेस पर्सन हैं। माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप। मेरे पिताजी और मेरे अंकल एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प दैम इन द शॉप। फेस्टिवल्स टाइम होता है या संडेज जो होते हैं तब मैं और मेरी मदर जो है मेरे फादर की हेल्प के लिए शॉप में जाते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीट माई कॉलेज। हरप्रीत कहती हैं कि उन्होंने काम करना तब शुरू किया जब उनकी कॉलेज कम्प्लीट हो गई थी। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो। कुछ सालों पहले ही हमने इस शोरूम को ओपन किया था। अवर बिजनेस हैज़ चेंज। हमारा बिजनेस अब बदल गया है। दीज डेज पीपल प्रिफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स। आज जो भी लोग हैं वो रेडीमेड बने बनाए जो कपड़े आते हैं वो खरीदना पसंद करते हैं रदर देन हैव स्टिचड, यानी सिलवाना पसंद नहीं करते। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, क्योंकि आज का जो फैशन है, ट्रेंड है, वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दम वंदना। वंदना कहती है कि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव जो है आकर्षण भरे हुए जो डिस्प्ले है वो आपके लिए किया गया है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस वी बाय मोस्ट ऑफ। कहती है फॉर आवर शोरूम हम अपने शोरूम के लिए जगह जगह से जो है चीज़ें खरीदते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। हम लोग जो है अपने दुकान के लिए मटेरियल जो है बॉम्बे से खरीदते हैं, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से खरीदते हैं। सम मटेरियल आल्सो कम फ्रॉम द नोएडा एंड गुड़गांव टाउन नियर दिल्ली। हमारी दुकान का कुछ सामान जो है वो दिल्ली के नज़दीक नोएडा और गुड़गांव से भी आता है। वी गेट सम ड्रेसेस आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। कुछ ड्रेसेस के जो आइटम्स हैं वो हम फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू रन द शोरूम प्रॉपरली। इस शोरूम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए हमें कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। हम कई सारे न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं। वी एडवर्टाइज इन
सिनेमा थिएटर्स टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, कि सिर्फ न्यूज़पेपर्स में ही नहीं, सिनेमा थिएटर्स में भी, टेलीविज़न में भी, रेडियो चैनल्स पे भी हमें अपने ऐड देने पड़ते हैं। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। ये जो बिल्डिंग है ये हमने किराए पे ले रखी है, लेकिन हमने फैसला किया है कि जल्दी हम इसे खरीद लेंगे। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, अवर बिजनेस हैज़ ग्रोन, क्योंकि यहाँ आसपास जो है बहुत अच्छे पीपल्स रहते हैं और ये मेन मार्केट के अंदर शॉप है, तो यहाँ पे आसपास जो है सारे के सारे पीपल जो हैं वो मार्केट में इजीली आ सकते हैं। तो ये जो हमारा बिज़नेस है ये मेन मार्केट में है, और इससे जो है मतलब आसपास जो कॉलोनीज़ हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं लोगों के, उससे हमारे बिज़नेस की और अच्छी ग्रोथ हो सकती है। वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय। हमने जो है नज़दीक ही एक फ्लैट भी यहाँ के अपार्टमेंट में बुक किया है और हमने एक कार भी खरीदी है। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। हरप्रीत और वंदना की ही तरह अगर हम बात करें तो शहरों में कई ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे इस तरह की शॉप्स हैं। दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। दुकानें बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई सारा सामान वो बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। बहुत सारे दुकान वाले जो हैं वो खुद की दुकान चलाते हैं या अपना खुद का बिजनेस। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन, उन्हें किसी ने काम नहीं दिया है, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर। लेकिन वो बहुत से लोगों को काम देते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र का, हेल्पर का है, तो ये अपने बिजनेस में जो है दूसरे लोगों को भी काम एम्प्लॉयड करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये ऐसी दुकानें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, क्योंकि ये जो है लाइसेंस इशू करा के रखते हैं अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, क्योंकि म्युनिसिपल अथॉरिटीज से आपको परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी शॉप को रन करने के लिए। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ बीन रिमेन क्लोज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ये तय करते हैं कि सप्ताह में किस दिन जो है मार्केट बंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बात करें, द शॉप इन द अवर मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडेज। जिस मार्केट की हम ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुधवार को जो है मार्केट बंद रहता है। दिस मार्केट हैज़ ऑल्सो हैज़ सम स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक, कुरियर सर्विसेज एंड अदर्स। इस मार्केट में दूसरी शॉप्स भी हैं जो सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि हम कहें बैंक के हैं, कुरियर सर्विस हैं या अदर सर्विसेज जो ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब हम बात करते हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज की, जहाँ पे कि उद्योग लगे हुए हैं। आई वॉन्ट टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेस। मैं अपनी एक ड्रेस के ऊपर जरी का काम करवाना चाहती थी, विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन, जो मुझे एक स्पेशल अवसर पर पहनना था। माई कज़न सैड, मेरी कज़न ने कहा, दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। वो निर्मला को जानती है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, यानी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मलाज नेबर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयड्री। निर्मला की जो नेबर है, पड़ोसी है, वो जरी और एम्ब्रॉयड्री का काम करती है। सो वी कॉट अ बस, हमने बस पकड़ी एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया, और फिर हम फैक्ट्री एरिया की तरफ गए। द बस वॉज रियली क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन सीम टू गेट ऑफ। हर स्टैंड पे जो है उसमें लोग चढ़ते जा रहे थे और उतर बहुत कम रहे थे। पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्स। लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे ताकि उनको जगह मिल सके। माई कज़न गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट गेट स्क्वैश्ड। सो मेरी कज़न ने मुझे कहा कि हमें एक कॉर्नर में खड़े रहना चाहिए ताकि हम इस भीड़ के अंदर ना घुसें। आई वंडर हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। मैं आश्चर्य में थी कि लोग इस तरह से रोज़ कैसे सफ़र करते हैं। एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। लेकिन जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया में घुसी, लोग उससे धीरे धीरे उतरना शुरू हो गए। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट द क्रॉसिंग। वहीं क्रॉसिंग के ऊपर हम लोग भी उतर गए। व्हाट अ रिलीफ दैट वाज। और बस से नीचे उतरने के बाद जो सुकून मिला वो अमेजिंग था। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स ऑन इन अ ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। वहाँ क्रॉसिंग पर जो रेलिंग बनी हुई थी, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है ग्रुप्स में बैठे हुए थे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। वो शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। कुछ लोग स्कूटर्स पे आ रहे थे, वो उनसे बात कर रहे थे। माई कज़न एक्सप्लेन, मेरी कज़न ने मुझे
कहा दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक, इस जगह को जो है लेबर चौक यानी मजदूरी चौक कहा जाता है। दीज वर डेली वेजेस लेबर, ये रोज़ मजदूरी करने वाले मजदूर हैं। हु वर्क एज हेल्पर एट मैशन, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हेल्पर का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। डे डिक एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये खड्डा वगैरह खोदते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड, सामान उठाते हैं। इन द ट्रक्स इन द मार्केट, और मार्केट में भरते हैं, ट्रक्स में भरकर मार्केट भेजते हैं। डिक पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के लिए मिट्टी खोदते हैं एंड टेलीफोन केबल्स के लिए खोदते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड रोड, सड़कें बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर इन द सिटी, हज़ारों की संख्या में इस तरह के जो कैजुअल वर्कर्स हैं जिनका जॉब परमानेंट नहीं है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वी एंटर द फैक्ट्री एरिया, हम फैक्ट्री एरिया में गए। देन उसके बाद में देयर सीम्ड टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम, यहाँ पे तो एंडलेस रोज थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स, एक छोटे से रूम में हमने देखा कि लोग जो है वहाँ पे कपड़े सिलाई कर रहे थे। वेयर क्लोथ्स वॉज बिंग स्टिच, यहाँ कपड़ों की सिलाई की जा रही थी। वन पर्सन ऑपरेट क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच वर स्नैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, जो कपड़े सिल के तैयार हो गए थे उन्हें उसी कमरे में एक तरफ रख दिया गया। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, हम स्टिचिंग यूनिट में निर्मला की ओर जाते हैं। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन इन माई ड्रेस, ऑन माई ड्रेस। वो निर्मला जो है वो हमें मेरी कजिन को देख कर काफ़ी खुश होती है और वो वादा करती है कि मेरी ड्रेस पर जो है जरी का वर्क हो जाएगा। निर्मला वर्क एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट के अंदर जो है टेलर का काम करती हैं। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरन कंट्रीज लाइक USA, UK, जर्मन एंड द नीदरलैंड। मेरी ये जो निर्मला जहाँ काम करती थी, ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जो कि गर्मियों के कपड़े बनाती थी USA के लिए, UK के लिए, जर्मनी और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ के लिए। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, ये लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अ नॉर्मल वर्किंग डेज बिंग 9 AM टू एंड फिनिशिंग 10 PM, यानी सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक इनका काम चलता है। समटाइम्स इवन लेटर, कई बार तो देर भी हो जाती है। सी वर्क्स फॉर 6 days a week, सप्ताह के 6 दिन वो कंप्लीट काम करते हैं, कोई हॉलीडे नहीं है। एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली, और जब काम बहुत ज़रूरी होता है, शी वर्क्स ऑन संडेज़ टू, तो संडेज़ में भी काम होता है। निर्मला इज पेड 280 rupees a day फॉर 8 hours एंड RS 100 फॉर एक्स्ट्रा वॉकिंग, यानी एक दिन के उन्हें 280 rupees मिलते हैं और अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 100 rupees उसके हिसाब से मिलता है। बाई जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ, जून में काम खत्म हो जाता है और स्टाफ को जो है फैक्ट्री हटा देती है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्ट टू लीव, निर्मला को भी हटा दिया जाता है। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देर इज़ नो वर्क फॉर हर, साल के 3 से 4 महीने उनके पास में कोई काम नहीं होता। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट नोन एज कैजुअल बेसिस, और निर्मला जैसे जो वर्कर्स होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स की तरह भी काम करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड वेन द एम्प्लॉयर्स नीड दैम, जब इनको ज़रूरत होती है कंपनियों को या फैक्ट्रीज़ को, तो ये एम्प्लॉयज़ को बुला लेते हैं। दे आर एम्प्लॉयड वैन द एम्प्लॉयज़ गेट लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, या तो किसी निश्चित मौसम में उनको बुलाया जाता है या जब ज़रूरत होती है तभी इन वर्कर्स को बुलाया जाता है। एट द अदर टाइम्स देयर ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और साल के दूसरे समय में ये दूसरा काम अपना करते हैं। जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट, जिस तरह की काम निर्मला करती है ये परमानेंट नहीं है। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्ट टू लीव, अगर वर्कर्स वर्किंग कंडीशंस की बात करते हैं या पेमेंट की बात करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका जॉब जो है वो सुरक्षित नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इफ़ देर इज़ इल ट्रीटमेंट, अगर आप बीमार हो गए हैं तो उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, इनसे बहुत लंबे समय तक काम की उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट द वर्कर वर्क 1 day and night shifts, कि अगर हम क्लोथ मिल की बात करें तो वहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं दिन और रात काम करते हैं, विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 hours, और एक शिफ्ट में 12 घंटे होते हैं। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन ऑन 12 hours, एक मशीन के ऊपर 12 घंटे लगातार काम करते हैं। एंड देन इज़ रिप्लेस बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 hours, और फिर अगले 12 घंटे के लिए उसी मशीन से दूसरा मजदूर आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जो वर्कर्स हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं, उनको कितना काम करना पड़ता है और कितना हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है। नाउ आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर